नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। और हमने, जैसे कि पता है आपको, हमने कल पाइप भरा था खेरूपाड़ा से, तो हम अभी खाली करने आए हैं दोड़नागिरी में, सेक्टर नंबर 7 में। ये हिंद टर्मिनल के अंदर खाली होगा। और पार्टी फ़ोन किया तो हम चले आए, और इधर आने के बाद पार्टी से बात हुआ, पार्टी वाला आया भी, चेक किया मटेरियल सब चेक करके, उसके बाद उसके पास पेपर नहीं आया है माल का, तो इसके लिए अब तक गाड़ी खाली नहीं हुआ है। अभी 4 बजने को आया शाम को, अभी में मेरा बात हुआ तो अभी पार्टी वाला बोल रहा है कि पेपर आया नहीं है, बोल रहा है कि पेपर भेज दूंगा, लेकिन अभी तक पेपर आया नहीं है। और तब तक हम इधर पार्किंग में गाड़ी अपना खड़ा किए हैं। इधर पार्किंग, रोड पे ही पार्किंग है, 100 रुपया लगता है इधर, तो हमने रोड पे खड़ा किया गाड़ी अपना। आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ इधर पार्क होती हैं। अभी देखिए कब तक पेपर आता है, जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक गाड़ी खाली नहीं होगा। मैं तो पूछा अभी था कि आया क्या पेपर, तो बोला आ जाओ इधर माल चेक करने का है, तो आ गया। अभी इधर आने के बाद सुबह से ही पेपर अभी तक आया नहीं, तो देखते हैं कब तक आ रहा है पेपर। जब तक पेपर आएगा नहीं तब तक तो गाड़ी खाली होगा नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर पायलट भी रखा है, तो उसको ताड़पत्री से अच्छे से बांध दिया हूँ मैं, ताकि भीजा ना। इधर बारिश आ रहा, अभी बारिश हुआ था थोड़ी देर पहले, तो इधर बारिश आता रहता है, 10 मिनट में आता है फिर बारिश चला जाता है। इधर सब पार्किंग में गाड़ी खड़ी है सब, और उधर जो कंटेनर यार्ड आपको दिख रहा है उसमें खाली करने के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम भी बारिश का बना हुआ है। इधर भी है भारत पेट्रोलियम का कंपनी है इधर भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कब तक पेपर आता है, उसके बाद गाड़ी खाली किया जाएगा। ये अपना गाड़ी खाली हो गया, पाइप जो लेके आया था वो खाली हो गया। अभी देख सकते खाली हो गया, अब यार्ड में से गेट पास हो जाएगा तो निकल जाएंगे।